15 सूत्रीय मांग पत्र 2011 से मुसलसल चल रहा है। आरक्षण को एक्ट बनाने की बात, प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात, समान शिक्षा कानून बनाने की बात, स्पेशल कंपोनेंट प्लान की पूरी राशि खर्च करने की बात, और जो है न्यायपालिका में रिजर्वेशन देने की बात, आर्मी में रिजर्वेशन देने की बात, ये सारी मांगों को लेके 15 सूत्रीय मांग पत्र हमारा चल रहा है। लेकिन इस देश की निकम्मी सरकारें हमारी बात पे ध्यान नहीं दे पाई, और ध्यान देती हैं तो केवल बहकाने के लिए। कल जब हम अपने कार्यक्रम की तैयारी में लगे थे तो आईबी के एक बड़े अधिकारी का फोन आया, मुझसे बात हुई, कहने लगे साहब अब तो जो है SC ST एक्ट का बिल पेश होने जा रहा है, तो अब तो 9 अगस्त का कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा श्रीमान जी ये बता दीजिए जिन बेईमान सरकारों के अधीन आप काम करते हैं उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बता दीजिए कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल राज्यसभा में पास हो गया था क्या वो आज तक लोकसभा से पास हो पाया है। अगर वो बिल अब तक लोकसभा से पास नहीं होया है तो ये जो SC ST एक्ट का बिल आप पेश करने जा रहे हैं ये भी पास हो जाएगा, इसका क्या नमूना है। हम इसको ये क्यों ना माने कि 2019 तुम्हारे सर पे आ रहा है, 2019 में हमको बहकाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हो, काम करना नहीं चाहते। अब तो सिर्फ निर्णय ये है, अब तक तो हमारा कहना ये हुआ करता था रिजर्वेशन चाहिए, अछूती स्थान चाहिए, अब ऐसा नहीं है, अब रिजर्वेशन नहीं, अछूती स्थान नहीं, अब पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम इस पर शासन करेंगे, सत्ता करेंगे, भारत हमारा है। साथियों एक बात मैं कहना चाहता हूँ बहुत जोर के साथ, हजारों साल से जो चालाक लोग हमारे साथ खेल कर रहे हैं उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC माइनॉरिटीज को मिलकर बैठने नहीं दिया है, और वो हजारों साल से ये प्रयास कर रहे हैं, और हम जब जानते हैं कि उनका ये प्रयास है कि हम मिलकर ना बैठें, और तब भी अगर हम मिलकर नहीं बैठते हैं तो इसका मतलब मूर्खम है। तो मैं इस विषय में एक सुझाव आज के हाउस में पेश करना चाहता हूँ। मेरा सुझाव ये है, हालांकि धर्म एक अफीम है, अफीम की गोली है, लेकिन इंडिया में धर्म के इतर रहा नहीं जा सकता, तो मेरा एक सुझाव कि अब आपको समय आ गया है कि इस देश में वाल्मीकि जयंती चमार और जाटा मनाएगा, रविदास जयंती जो है वाल्मीकि मनाएगा, संत गाडगे की जयंती खटीक मनाएगा। इस तरह से जितने हमारे अलग अलग धर्म गुरु हैं तो दूसरे संप्रदाय के लोग अगर उनकी जयंतियां मनाएंगे तो हमारा कदम एक तरह पड़ेगा। अगर आपको पसंद है तो हाथ उठा के पास जो है कहीं से, इससे हमारी एकता बढ़ेगी और हम एक छत के नीचे आएंगे। साथियों बाबा साहब ने पूना पैक के बाद ही कह दिया था कि अब मेरी कौम के प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, टूल्स एंड स्पून्स जाएंगे, और वही काम हमारे साथ हो रहा है। कोई कुछ ना करे इस देश में, केवल पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जाने वाले लोग ये मोह छोड़कर कि वो किस दल से आए हैं इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। वो अगर समाज के प्रति ईमानदार रहें, इस देश में कोई ताकत नहीं कि हमारे खिलाफ कोई बिल पास हो जाए, हमारे खिलाफ कोई कानून पास हो जाए, लेकिन वो वहाँ बैठे रहते हैं। उनको मैं एक शेर में समेटना चाहता हूँ, एक शेर कहना चाहता हूँ उनके बारे में, अगर बिकने पे आ जाओ, अगर बिकने पे आ जाओ तो घटते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घटते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। अगर तुम इरादा कर लोगे तुम बिकोगे नहीं तो देखो फिर कीमत कितनी बढ़ेगी। जितनी बात तुम समाज के सामने रखोगे हर बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के आकाओं की जो नीति है, नियत है, उनकी नियत शुरू से ही बहकाने की है। और अब समय एक और आ गया, अब हम जान चुके हैं बहुत अच्छी तरह ये देश यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मणों का नहीं है, ये देश तो इस देश के मूल निवासियों का है, ये देश हमारा है, मूल निवासी हम है। और अब हमने तय कर लिया है कि अब तुम्हारे पिछवाड़े इतनी जोर से लात मारेंगे, इतनी जोर से लात मारेंगे कि सीधे यूरेशिया में जाके गिरोगे, यूरेशिया से पहले कहीं रास्ते में गिरोगे भी नहीं। साथियों समय कम है, समय कम के अभाव से थोड़ा कम कहना पड़ रहा है, कोई सरकार हमको बकस नहीं रही है। छठे वेतन आयोग में डी क्लास की सर्विसेज समाप्त कर दी, सब जानते हैं कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा डी क्लास की सर्विसेज में हैं।
उन्होंने देखा कि ये डी फोर क्लास की सर्विस में रहकर भी अपने बेटे को आईएएस और आईपीएस बना रहे हैं, अपने बेटे को प्रोफेसर और डॉक्टर बना रहे हैं, अपने बेटे को वीसी बना रहे हैं, अपने बेटे को साइंटिस्ट बना रहे हैं, तो ये फोर्थ क्लास की सर्विस ही कलम कर दो। तो पे कमीशन सिक्स ने फोर्थ क्लास की कमीशन सर्विसेज डी क्लास की सर्विसेज खत्म कर दी, सेवेंथ ने भी कुछ नहीं किया। और अगर हितैषी हो, हमारा हित करने की बात करते हो, ड्रामे कर रहे हो, आज भी अखबार में छपा है, केवल SC ST Act का ही नहीं छपा, एक बात आगे बढ़ के छापी है, SC ST Act बिल तो पेश करेंगे। कहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन बिना शर्त देंगे, बिना शर्त रिजर्वेशन देने की बात की है। चार साल से बैठे हो इसी सीट पे, उससे पहले प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हुआ है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो बैठते के साथ ही कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले प्रमोशन में रिजर्वेशन कोई बहाल क्यों नहीं करा, इसलिए कैसे यकीन किया जाए तुम्हारी बात पर? तुम्हारी बात यकीन करने लायक नहीं है। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूँ, और वो ये, आप देख रहे हैं 2019 में देश में सत्ता करेंगे, शासन में पुनः आएंगे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने नीति बनाई है, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की नीति के द्वारा बनारस में इनके मुखिया को घेरा जाएगा, किसी भी कीमत पे बनारस से नरेंद्र मोदी को चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। नीति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बना ली है, और जब मुखिया ही नहीं जीतेगा, शासन कहाँ से चलाओगे, कहाँ से बनाओगे, ये तय कर लिया है। और आपको संकल्प लेना पड़ेगा, जो आप तालियां बजा रहे हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की नीति के अनुसार हर हालत में बनारस में नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने नहीं देना है। और ये हो सकता है कि घोषणा मैंने समय से पहले कर दी है, ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी बनारस छोड़ के ही भाग जाए, ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी बनारस छोड़ के ही भाग जाए। लेकिन हमारे पास फिर एक चीज ये रहेगा कि अगर नरेंद्र मोदी बनारस छोड़ के भागते हैं तो निश्चित तौर से हमारी बात में दम है, फिर तो केवल बनारस ही नहीं, हर सीट पे हमारी दमदार चयन हुए। साथियों, हम तो दुर्दशा में कहां तक पहुंचा दिया है, आउटसोर्सिंग का काम फोर्थ क्लास में पूरी तरह से लागू कर दिया है। वो सफाई कर्मचारी जिसको 30,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी रेगुलर नौकरी पर, आज आउटसोर्स में 3,000 रुपए पर उससे काम कराया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने की दूर की बात है, रोजी रोटी का खर्चा ही 3,000 में नहीं चल पाएगा। तो ये जिस तरह की नीतियाँ चल रही हैं, उन सब नीतियों के रहते हुए ये तय कर लिया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी एक जगह आकर इस देश में सत्ता परिवर्तन करेगी। सत्ता परिवर्तन होगा, हर हाल में होगा, सत्ता परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाएगा। और हमारा टारगेट सत्ता परिवर्तन है, जब तक सत्ता हमारे हाथों में नहीं आएगी। चूँकि मैं बात अपनी समाप्त कर रहा हूँ, अंत में ये बात कहते हुए कि बाबा साहब ने कहा था कि जिन कौमों की सत्ता में नियंत्रणकारी भागीदारी नहीं होती है, उन कौमों का विकास नहीं हो सकता। और अब केवल भागीदारी नहीं, अब पूरी सत्ता पे कब्जा करने का तय कर लिया है, ठान लिया है। और 85% संख्या ऐसी संख्या है कि जो हर हालत में हमको सत्ता तक पहुंचाएगी। तो मैं अंत में शेर पढ़ते हुए आपके बीच से हट रहा हूं। दोस्तों, मैं 72 साल में रन कर रहा हूं, अब खास तौर से अपनी उम्र के लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, बेवजह उम्र के इस बोझ को ढोना क्या है, बेवजह उम्र के इस बोझ को ढोना क्या है, कांच के सिक्के का बाजार में खोना क्या है, कांच का सिक्का चलता नहीं है, खोए तो खो जाए, कांच के सिक्के का बाजार में खोना क्या है। और जो ना आ सके अपनी कौम के काम, ऐसे इंसान का होना या ना होना क्या है, ऐसे इंसान का होना या ना होना क्या है। जय भीम, जय भारत।